शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या ड्रामा है मातो? क्या ड्रामा है? आप मुझे साथ नहीं लाए तो मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। अरे लेकिन ये होटल वाले क्या सोचेंगे? है? क्या सोचेंगे? उनके होटल में पहली बार कोई हस्बैंड वाइफ आया है क्या? हमें दूसरा रूम लेना होगा। तब तो उनको पक्का शक हो जाएगा। अरे तो फिर क्या करें हम? कुछ मत कीजिए। कल सुबह सूरज आने वाला है ना? नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? एक मिनट। हाँ मातुन बोलो। साहब आपका नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन नंबर लगा नहीं। आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज? जी। क्या मैसेज? आपको मुंबई नहीं जाना है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि वो अकेले मैनेज कर लेंगे। ओके, ठीक है। सिंपल। I can't believe this. बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं आपके इतने करीब आ गई हूँ। कल तक तुम मेरे लिए एक गैर की तरह थी। आज ऐसा लगता है जैसे तुमसे ज्यादा करीब इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मेरे दिल में बस आप ही आप बस गए। पता नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो। पता नहीं मुझ में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती साहब के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मातुन को साहब का हाथ चूमते हुए। नहीं यकीन होता? गीता से पूछो, जरा बता तूने क्या देखा क्या सुना। अब तू भी बता दे क्या तूने देखा, झूठ नहीं बोलना, समझी? जब मैं साहब के कमरे के बाहर सफाई कर रही थी तब मैंने मातुन को उनका हाथ चूमते हुए देखा। चुप कर बदतमीज। लालच में जी, बात साहब की नहीं है, मातून ही चालाक मालूम पड़ती है, उसी ने साहब को बहकाया होगा। हाँ। अच्छा? हाँ। बड़े बेशरम हो शाह, उसी ने साहब को कह के तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए पैसे दिलवाए और तुम होके उसी पे लांछन लगा रहे हो। भूल गए क्या साहब के कितने एहसान है तुम पर? लेकिन 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 कुछ नहीं, बहुत हो गया। सच्चाई कुछ भी हो मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मातुन की वजह से परसों के बाद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो, यहाँ की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? जी। अब तुम लोग जाओ। इतनी रात को ये कहा जा सकती है? कहीं वो लोग Thank you.
लक्ष्मी को कहीं शक न हो जाए। मौसी उठिए ना, उठिए ना। क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सबसे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ठीक है, बोलिए। ये बता, कल रात को कहाँ गई थी? साहिब के कमरे में। मौसी, मैं आपसे साहिब के बारे में ही बात करना चाहती थी। आप तो मेरी माँ की तरह हो, आपसे क्या छुपाना। मौसी, मैं साहिब को पसंद करने लगी हूँ। वो भी मुझे पसंद करते हैं। बस दुनिया के डर से मुझे अपनाना नहीं चाहते। मतलब तुम साहब से शादी करना चाहती हो? हाँ मासी, आपको नहीं लगता सुनीता दीदी के जाने के बाद साहिब को किसी साथी की जरूरत है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मौसी, साहब की खुशी में ही मेरी खुशी है। मीटिंग कहाँ पे है? मुंबई में। मुझे भी साथ ले चलिए ना। तुम्हें पता है कि वहां सूरज भी होगा? ठीक है, फिर मैं जिद नहीं करती। वैसे आपकी फ्लाइट कितनी बजे है? 6 बजे की। मातून, 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर, इट्स योर कीज। थैंक यू। थैंक यू सर। ये क्या ड्रामा है मातुन? क्या ड्रामा है? आप मुझे साथ नहीं लाए तो मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। अरे लेकिन ये होटल वाले क्या सोचेंगे? है? क्या सोचेंगे? उनके होटल में पहली बार कोई हस्बैंड वाइफ आया है क्या? हमें दूसरा रूम लेना होगा। तब तो उनको पक्का शक हो जाएगा। अरे तो फिर क्या करें हम? कुछ मत कीजिए। कल सुबह सूरज जाने वाला है ना? नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? एक मिनट। हाँ मातुन बोलो। साहब आपका नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन नंबर लगा नहीं। आपके लिए एक मैसेज है। मैसेज? जी। क्या मैसेज? आपको मुंबई नहीं जाना है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि वो अकेले मैनेज कर लेंगे। ओके, ठीक है। सिंपल। आई कांट बिलीव दिस। बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है।
कि मैं आपके इतने करीब आ गई हूं। कल तक तुम मेरे लिए एक गैर की तरह थी, आज ऐसा लगता है जैसे तुमसे ज्यादा करीब इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, मेरे दिल में बस आप ही आप बस गए। पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, पता नहीं मुझ में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो। दिल की बात है, दिले जाने। मुझसे शादी करोगे? फिर से कहिए अभी जो आपने कहा। Will you marry me? Yes, 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 yes. थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। तो फिर हमारी शादी का अनाउंसमेंट कब करेंगे आप? बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन करता है ऐसे ही आपकी बाहों में सिमटती चली जाओ, मेरी सांसें रुक जाए और मेरे जीवन को विराम लग जाए। पागल लड़की। अच्छा एक बात और, अभी ये सब हमारे तुम्हारे बीच ही रहे, कल मैं कांता दीदी से बात करूंगा फिर डिसाइड करेंगे। हैप्पी बर्थडे मल्होत्रा साहब। थैंक यू सर। प्लीज फ्रेश हो लीजिए। यप, श्योर। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा करीब 10 साल के बाद अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी में ये पार्टी अरेंज की गई, इसलिए बहुत कम लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया। इस मौके को खास बनाने के लिए मैं मिस्टर मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केक काटें।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear son. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. याद है एक जमाने में मल्होत्रा साहब की पार्टी पूरे देहरादून में मशहूर हुआ करती थी। बहुत जम रहे हैं आज। अरे मल्होत्रा जी, कॉलेज के जमाने में तो बड़ी शेर और शायरी किया करते थे, आज मौका है, सुना दीजिए। नहीं नहीं, अरे यारा सुना देना प्लीज। सुनाइए जनाब। वो मुझ पे अजीब असर रखता है, वो मुझ पे अजीब असर रखता है, दिल की तमाम खबर रखता है। वाह 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 वाह। शायद मैं उसे भूल जाता ही मगर, शायद मैं उसे भूल जाता ही मगर, याद आने के वो तमाम हुनर रखता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू।